नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी हमारी बंगाल की एक बहुत ही फेमस एंड डिलीशियस रेसिपी, चिकन चाप। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। पहले हम देख लेंगे चिकन चाप बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बोल पानी में 2 चम्मच खसखस यानी की पोस्तो, 1 चम्मच चरमगज यानी कि मेलन शीट, 6 से 7 काजू और 10 से 12 पीनट्स को 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था, 100 ग्राम दही, 2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मीठा अदरक, सेवरन सोप हॉट मिल्क, रोज वाटर, नमक, देसी घी, 1 बड़े साइज के ऑनियन, साथ में 7 से 8 क्लोव्स लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च, व्हाइट ऑयल और चिकन। यहाँ पर मैंने लगभग 600 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करूंगी। मैंने थोड़ा सा बड़े साइज के चिकन पीस लिया, अगर आप चाहो तो बड़े साइज के लेग पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दरअसल चाप बनाने के लिए हमें बड़े साइज के चिकन पीस चाहिए। पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर ये सोफ्ट खसखस, चरमगज, काजू एंड पीनट्स को डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा ही पानी डालना, ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। ग्राइंडिंग के बाद आप देख सकते हो हमारी स्मूथ व्हाइट पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमें इस प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को साथ में डाल के एक पेस्ट बनाएंगे। हमारी 2 पेस्ट बनके रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें डालेंगे ये व्हाइट पेस्ट, पूरा ही डालेंगे। साथ में डालेंगे ये ऑनियन, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी पूरा ही डालेंगे। ये 100 ग्राम योगर्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सत्तू, 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रोज वाटर, 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 1 चम्मच नमक, नमक आपको जितना चाहिए उतना ही डालना और साथ में 5-6 ड्रॉप मीठा अदरक। मीठा अदरक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आप इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे और इसके साथ डालेंगे ये चिकन पीसेस। चिकन पीसेस को इस मसाले के साथ अच्छे से मस लेंगे ताकि चिकन के चारों तरफ के मसाले के कोटिंग अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी और उसके साथ मिलाएंगे 1 कप व्हाइट ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि ये एक रिच ग्रेवी बनेगा। तेल और घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये मैरिनेटेड चिकन पीसेस और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसके कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। बीच बीच में हम इस चिकन पीस को पलट देंगे ताकि इसके दूसरे साइड भी अच्छे से कुक हो। 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हो हमारी चिकन थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो गया और ये साथ में तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें जो बचे हुए मैरिनेटेड मसाला है उसको डालेंगे
और इसको चिकन के साथ अच्छे से मिलाएंगे और कुक करेंगे। हमें इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में इसको तलना है ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए। और इसी तरह हमें इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक चिकन अच्छे से बॉईल ना हो जाए। इसमें पानी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ये मसाला या तेल में ही कुक हो जाएगा। आप देख सकते हो मसाला भी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया और एक ग्रेवी देखने में कितना ज्यादा रिच हुआ। हमारी चिकन अच्छे से बॉईल हो गया। अब हम इसमें ये सैफरन सोक्ड मिल डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। बस 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो रेडी हो गए हमारी बंगाल के फेमस डिलीशियस एंड रिच चिकन चाप। आप इसको बिरयानी के साथ जरूर ट्राई करना, क्योंकि हमारे बंगाल में ज्यादातर लोग इसको बिरयानी के साथ ही खाते हैं। आप इसको पराठा, राइस, फ्राइड राइस किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो घर में इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।